हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज जो रिक्रूटमेंट हम डिस्कस करेंगे ये है एसबीआई से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, एप्लीकेशन फी, रिक्रूटमेंट कितने चरणों में कंप्लीट होगा, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं गाइस। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस क्विकली। एंड सर, डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई का न्यू लोगो जारी हो चुका है, राइट। सो ये एक नया लोगो है, राइट। सो ये वैकेंसी है गाइज, ओके। सो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, राइट। 7 सेप्टेम्बर से लेके 27 सेप्टेम्बर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जो है प्रीलिम्स का कॉल लेटर, जो आपका एडमिट कार्ड है, वो 2nd week of October में आ जाएगा। एंड नवंबर में आपका प्री पेपर होगा, ठीक है। एंड जो है सेकेंड पेपर, इसका रिजल्ट जो है प्री का, वो आपका नवंबर और दिसंबर में ही आ जाएगा। एंड देन फिर आपका दिसंबर और जनवरी में मेंस पेपर होगा। मेंस के बाद आपका इसमें इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी होगा, जो कि जनवरी फरवरी में होगा, राइट गाइस। एंड फाइनल रिजल्ट आपको मार्च 2024 तक आ जाएगा। एंड जून जुलाई तक जो है आपकी ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग हो जाएगी, राइट। सो ये डेट है, पर्टिकुलर डेट। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं गाइस। कोई भी ग्रेजुएट होल्डर इसमें अप्लाई कर सकता है, और जो फाइनल ईयर, जो अभी फाइनल ईयर एग्जाम देने वाले हैं, वो जो है भी अप्लाई कर सकते हैं। 31/12/2023 तक जिनका एग्जाम होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट गाइस। सो जो फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे गाइस देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी की, जिसमें कि टोटल 2000 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है, बट ये कम माना जाता है क्योंकि पैन इंडिया बेस्ड एसबीआई का जो पीओ वैकेंसी है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी में से एक है। तो 2000 बहुत कम वैकेंसी है पैन इंडिया बेस्ड पे, राइट। फिर भी 2000 है, जिसमें जनरल के लिए 810 है, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 200 वैकेंसी है, 540 ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए 150, एनएससी के लिए 300 नंबर ऑफ वैकेंसी है, राइट गाइज। सो अगर हम बात करें गाइज इसमें एज रिलैक्सेशन का, तो एज रिलैक्सेशन 21 से 30 एज रखा गया है, और एज कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 तक आप अपना एज कैलकुलेट कीजिएगा, जिसमें 21 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 30 होना चाहिए, राइट। अब इसमें एज रिलैक्सेशन जो है एसटी और एससी को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा, एंड जो बैकवर्ड, जो कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है, उनको जो है यहाँ पे एससी एसटी को 15 साल, और नॉर्मल जनरल में जो डिसेबल हैं उनके लिए 10 साल, और ओबीसी वालों के लिए 13 साल। ये एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, राइट, एज पर द रिजर्वेशन। नाउ अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, प्री एग्जाम जो आपका होगा गाइस, ये इसमें तीन तरह के जो है, तीन पार्ट में एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश 30 नंबर का पूछा जाएगा, 20 मिनट आपको मिलेंगे। सेक्शनल टाइम डिवाइड किया गया है, 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इंग्लिश के, राइट। मैं इंग्लिश का, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ की स्पेशल इंग्लिश की ही क्लास होती है, स्टडी ऑफ वर्ल्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वांट जो है गाइस, क्वांट एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 20 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली ये जो है टाइम आउट हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है 35 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट में अगेन सॉल्व करना है। तो ओवरऑल आपको 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट ये ओवरऑल मिक्स नहीं रहेगा, सबके लिए टाइम डिसाइड किया गया है, राइट गाइज। सो इस तरह, उसके बाद जो है फर्स्ट जो है ये प्री एग्जाम, इसमें 10 गुना ज़्यादा, मतलब 2000 कैंडिडेट है तो 20,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा गाइज, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, 50 मिनट मिलेंगे। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, ठीक है, 45 मिनट मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 45 मिनट मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, 40 मिनट मिलेंगे। सो ये चार चरणों में, चार पार्ट में जो है आपका एग्जाम होगा, और इन सभी के लिए आपको 3 घंटा मिलता है, राइट। सो ये सेकेंड पेपर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे इसी में एक पार्ट है जो कि डिस्क्रिप्टिव एसे और लेटर राइटिंग का है। 50 इसमें जो है रहेंगे 50 मार्क्स के दो क्वेश्चन एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग का, तो दो क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। तो टोटल 250 जो है यहाँ पे टोटल कितना 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है सेकेंड पेपर, राइट। इसमें निगेटिव मार्किंग है 25%, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे कैंडिडेट नंबरिंग जो शॉर्ट लिस्ट होगा राइट सेकेंड राउंड में, देन फिर उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन देना पड़ेगा राइट एंड इंटरव्यू। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे ही नॉर्मल होगा, उसका कोई मार्क्स नहीं होगा राइट। एंड फिर ग्रुप डिस्कशन जो है 20 नंबर का रहेगा एंड देन इंटरव्यू 30 नंबर का रहेगा। तो 50 नंबर का आपका ये इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन वाला सेक्शन रहेगा। तो आपका ओवर और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो 250 नंबर जो सेकेंड पेपर है उसका जितना मार्क्स है, एंड देन फिर इंटरव्यू का जो है आपका यहाँ पे मार्क्स 50 नंबर रहेगा। तो टोटल जो है 250 में से 75% जो है मेंस एग्जाम का परसेंटेज लिया जाएगा एंड 25% जो है आपका इसमें ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का लिया जाएगा। तो इस तरह 100 नंबर में से आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार होगा राइट गाइज। सो इस तरह जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके गाइज, सो गुड लक फॉर योर इंटरव्यू फॉर योर एग्जाम। सो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टार्टिंग सैलरी आपका 8,840 रुपीज प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लाखों में सैलरी होती है गाइस लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ओके, उसके बाद मेट्रो सिटी पे डिपेंड करता है, तो 1.5 लाख रुपये पर मंथ, जैसे मुंबई दिल्ली इन सब जगहों पर अगर मेन ब्रांच में आपको दिया जाएगा वो तो ट्रेनिंग के बाद दिया जाएगा, देन फिर आपकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 750 रुपये एग्जामिनेशन फी है, एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। ओके, सो गुड लक गाइस, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।